सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर यूट्यूब वीडियोज़। मेरा नाम है मयूर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से प्लेस्टेशन 4 को 11.00 पे जेलब्रेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया था जो कि एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम है PPPWN और उसका जो वर्ज़न था वो 1.5 था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका जो अपग्रेड वर्जन दूंगा और उसको बताऊंगा कि किस तरीके से वो स्टेबल है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। 1.5 में क्या होता था कि हमें काफ़ी बार जो है स्टेप को बार बार रिपीट करना पड़ता था, तो तब जाके हमारा जो है गोल्ड हैन अप्लाई होता था। लेकिन इस प्रोसेस में आपको बताऊंगा मैं, ये सिर्फ आप एक ही बार जब शुरू में आप जो प्रॉपर स्टेप को लेंगे तो ये फर्स्ट टाइम में ही जो आपके गोल्ड हैन को है अप्लाई कर देगा। लेकिन कुछ भाइयों का अगर नहीं होता है इन केस तो ये सेकंड टाइम में कर देगा, लेकिन 110% ये उससे अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको उसका सारा प्रोसेस बताऊँगा और मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन से सब कुछ दिखाऊँगा, बट मैं आपको यहाँ पे बस डाउनलोड का प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जिन भाइयों को नहीं पता है, मेरा टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जिसका नाम है मयूर गेमिंग, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आपको वहाँ पे जाना है और उसके बाद आपको वहाँ पे सर्च कर लेना है इस तरीके से 11.00 फास्ट नाम से। ठीक है, तो आपको एक जिप फाइल मिलेगी, ये आपको वहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी, तो आप यहाँ पे देख के इसे डाउनलोड कर लेना। इसे डाउनलोड करने के बाद इसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों इसे आप डिलीट कर सकते हैं जिप फाइल को, इसका आप कोई काम नहीं है। अब दोस्तों, आपने जो फोल्डर अनजिप किया है इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से इसका कुछ इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपकी PPPWN GUI 1.7 की एप्लीकेशन है, सिंपली इसे रन कर देना है। रन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक एक्सप्लॉइट का फोल्डर है, सिंपली इसे ओपन करना है। स्टेज 2 में जाना है, उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे तो स्टेज 2 11.00.bin इस तरीके से एक फाइल होगी। सिंपली इसको यहाँ से उठा के पेलोड वाले ऑप्शन पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, इतना काम आपका हो जाता है। इसे हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब आपको अपने प्लेस्टेशन 4 को लैन केबल से कनेक्ट कर लेना है, अपने पीसी या लैपटॉप से, जहाँ पर भी आप ये प्रोसेस को कर रहे थे। ठीक है, तो मैं अब आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन से दिखाता हूँ प्लेस्टेशन 4 की स्क्रीन को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने प्लेस्टेशन 4 को जो है ऑन कर लिया है। सिंपली मैं यहाँ पर यूज़र पर एक्सप्रेस करता हूँ और उसके बाद अब मुझे सेटिंग में जाना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेटिंग में आ जाता हूँ और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी गोल्ड हैन यहाँ पे अप्लाई नहीं है। सिंपली मैं सेटिंग में आता हूँ, एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क पे आना है, एक्सप्रेस करेंगे। मेक श्योर कि आप ये चेक कर लें कि यहाँ पे कनेक्ट टू द इंटरनेट वाला ऑप्शन आपका टिक होना चाहिए। ओके, ये इस तरीके से टिक होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आना है, एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको यूज़ ए लैन केबल करना है क्योंकि सारा मेथड ये लैन केबल के थ्रू ही होगा। सिंपली इस पर एक्सप्रेस कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम पे एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे वेट करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट में PPPOE नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आके आपको एक्सप्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। आप कुछ भी रेंडमली फिल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे टी और एच कर रखा है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे डन पे आके एक्सप्रेस कर दें, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे एक्सप्रेस कर दें। उसके बाद DNS को आपको ऑटोमेटिक रहने देना है और MTU को भी ऑटोमेटिक रहने देना है और प्रॉक्सी सर्वर को आपको डू नॉट यूज़ करना है। इतना काम आपका हो जाता है, सिंपली ओ प्रेस करके बैक आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन वाले ऑप्शन पे आके कंट्रोलर में एक्सप्रेस करना होगा और सेम टाइम पे आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यहाँ पे रन एक्सप्लोइट पे क्लिक करना होगा। तो मैं दोनों को सेम टाइम पर प्रेस करूँगा और अब आप देखिए ये कितना ही फास्ट है और कितना स्टेबल है। देखिए आपका जो गोल्ड हैन था वो भी अप्लाई हो गया है। सिंपल यहाँ पे डन लिखा हुआ आ गया और ये देखिए जो मेन था गोल्ड हैन का लोगो यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, तो अपना पेलोड ओपन हो चुका है, यहाँ पे सिंपली सक्सेसफुल हो गया अपना काम। ओ प्रेस करके बैक आएंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गोल्ड हैन। ठीक है,
तो बस इतना प्रोसेस है दोस्तों, और ये एक बार में मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर ही किया, फ़ोन की स्क्रीन इसलिए मैंने चालू की ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने मल्टीपल बार जो है ट्राई कर लिया होगा और मैं आपको दिखा नहीं रहा था, ठीक है। वीडियो वगैरह मैंने कट कर दी होगी, इस तरीके से मैं आपको डायरेक्टली कैमरे से ही दिखा रहा हूँ फ़ोन की, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आप चाहें तो मैं एक बार और करके दिखा सकता हूँ आपको, बट यकीन कीजिए ये एक बार में ही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अब यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की जो है आईडी शो कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सिंपली आके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको प्ले स्टेशन से रिलेटेड या मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ पे आके डीएम कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं, और उसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो सब फ्री है। तो काफ़ी भाइयों की मैंने वहाँ पर हेल्प भी की है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जो भी प्लेस्टेशन लवर हो, जो भी अपने दोस्त हो जो प्लेस्टेशन यूज़ करते हो उनको ये वीडियो शेयर करना, और वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।